हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास आइडिया का सिम है और उसके अंदर गाइस हम जो है अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है प्रॉपरली हर तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो हमारी फाइल मैनेजर पे शो नहीं करती है। तो गाइस हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी फाइल मैनेजर में हमारे आइडिया के सिम की कॉल रिकॉर्डिंग स्टोर नहीं होती है, तो क्या सेटिंग्स होगी जिसकी वजह से हमारी जो जो हमारी हमारे जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमारे फाइल मैनेजर में नहीं पहुंच पाती है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गाइस उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं शुरू से एंड तक इसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर जो है हमें बैक आना है और बैक आने के बाद गाइस जाना होगा अपने मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जाने के बाद गाइस हमें नीचे जाना है और यहाँ पर हमें अपनी सेटिंग्स दिखेगी मोबाइल की, इसको खोल लेनी है। जस्ट उसके बाद जो है हमें नीचे जाना है और एप्लीकेशन दिखेगी हमें, उसके अंदर चले जाना है। अब एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका डायलर मिलेगा या फिर फ़ोन मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हम डायलर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर डायलर तो हमारा है नहीं, तो अब हम फ़ोन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसको लोगो देख लेना और लोगो में आपको मिलेगा एक फ़ोन का साइकन, इसी ऑप्शन पर आपको जाना है। तो यहाँ पर फ़ोन को खोल लेना है, जस्ट यहाँ पर स्टोरेज पर जाना है, स्टोरेज पर से इसको डेटा क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर परमिशंस पर आना है, परमिशंस पर आप देख सकते हैं स्टोरेज, तो इसको अलाउ कर देना होगा। वैसे 90% तक ऑटोमेटिकली अलाउ होती है, जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाती है। मैंने इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, इस वजह से यहाँ पर ये डी अलाउ था, लेकिन किसी किसी का गलती से बंद हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको पता चल जाए कि जब तक ये वाला ऑप्शन आपका ऑन नहीं होगा, आपकी रिकॉर्डिंग होगी लेकिन आपके फाइल मैनेजर में शो नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और यही एक तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर आपके फाइल मैनेजर में रिस्टोर होती रहेगी और जब भी आपको कभी सुननी हो तब आप सुन सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको मिल गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।